और खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जहां फिल्म द केरल स्टोरी की तर्ज पर एक महिला के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल बस्तर में एक 22 साल की आदिवासी युवती का पहले तो अपहरण किया गया, इसके बाद आरोपी उसे मुंबई ले गया और करीब 1.5 साल तक उसके साथ यौन शोषण किया, रेप किया गया। आज जो कांच की बॉटल्स होते हैं वो सबको दिखा के ऐसे मेरे यहाँ पे रख, गली में किया था, उनको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मोबाइल को मैं बोली नहीं, मेरे घर जाना, मैं मेरे को आगे बहुत मेरा पूरा फ्यूचर अच्छा वो करना है। तो फिर उसके बाद धमकाने लग गया तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, जैसे तैसे बस स्टैंड तक मेरे को धमका के लाया। मैं बस स्टैंड में भी सोच चिल्लाऊं किसी को, लेकिन इतना डर गई थी कि ना पूरा हावी हो गया था मेरा। वो सभी फैमिली वाले को मैसेज पहुंचा दिया, मैंने मेरा फोन मेरे हाथ में नहीं, मैसेज पहुंचा दिया कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। और जैसे यहाँ से गई, जैसे ही पार हो गई ना, उसको लगा कि अब तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो ना मुंबई ले जाकर कुछ दिन अच्छे से रखा कि ताकि पेरेंट्स को ना करे। और मेरे को फोर्सफुली बोलने बोला कि मैं अपनी मर्जी से आऊँ। पीड़िता के कई बार आरोपी की कैद से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकामयाब रहीं। तभी एक दिन किसी तरह युवती को आरोपी फिरोज का मोबाइल मिल गया। युवती ने मौका पाकर किसी तरह से मोबाइल से एक नंबर मिलाया जो कि कपड़ा फैक्ट्री के मालिक का था जहां फिरोज काम करता था, और मदद की गुहार लगाई। इसके बाद शख्स महिला की मदद के लिए तैयार हो गया। जो जिस कारखाने में काम करता था वहां के शेर थे वो, तो मैंने उनका नंबर घर में ही डायरी जैसे घर में ही ढूंढा कि कहीं ना कहीं। उस दिन उसने ये किया कि मोबाइल नहीं ले गया, जो मोबाइल था वो मोबाइल जल्दबाजी में बंद करते हुए ले जाना भूल गया। तो जैसे तैसे मैं ढूंढी कि कुछ मिलेगा तो मैं कैसी करूंगी। और वहाँ ऐसा था कि ना आवाज धारा भी है ना, तो आवाज भी ना आस पास वो नहीं होता है, नहीं पता नहीं चलता है, बहुत शोर शराबा रहता है, हमेशा काम चलते रहते है। नहीं वहां से मेरे को रूम से जैसे ही निकली तो मैं बेहोश हो गई थी रास्ते में, लोगों ने मेरा हेल्प किया, मेरे को ले गए। और उसके बाद मैंने कॉल किया था ना जो सेफ थे उनको, तो फिर वो बोले कि उनकी सिस्टर को बोले कि तुम जाके रेलवे प्लेटफॉर्म तक छोड़ दो। टिकट मिला था लेकिन वहां घुसने नहीं मिला, तो मैं ना ऐसी बैठ गई, मेरे को ट्रेन के बारे में कोई नॉलेज नहीं, मैं ऐसी बैठ गई। तो फिर वहां पुलिस वाले मिल गए मेरे को, तो मैं वहां जाके बैठ गई। तो पुलिस वाले बोले कि आपका कंफर्म है टिकट, बोले तो मैंने बोला नहीं सर, थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को घर पहुंचना है कुछ भी करके। तो फिर वो पुलिस वाले बोले कोई बात नहीं, आप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल ने इस मामले को गंभीरता से लिया, उन्होंने पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। ये मामला एक्चुअल में माकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, और ये एक वर्ष पूर्व, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व पीड़िता और जो आरोपी है उसके मध्य प्रेम संबंध हुआ था, और उसको झांसा देकर शादी करने का के बहाने उससे भगा के वो मुंबई लेके चले गया था। जो लगभग 1 साल 1.25 साल तक उसके साथ में थी और उसके साथ में लगातार दुष्कर्म करता रहा, और वहाँ पे लड़की भाग कर आई है। तो हमारे संपर्क में आने पे उस आरोपी के खिलाफ में हमारे द्वारा उसने अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता की स्थिति अभी बहुत अच्छी है और उसका इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है, और हमारा संपर्क लगातार परिवार के साथ में है।